बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिस काशिम नदीम इकनेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लाए हैं अपने सरस के बीच निकालेंगे उनका तेल। ये बहुत बड़ा कारखाना है, यहाँ पे गंदम की आटा चक्की भी है, चावल की आटा चक्की भी है और चावल साफ करने वाली मशीन भी है। तो फिर आइए चलते हैं, देखते हैं कि सरसों के बीज से तेल कैसे निकलता है। चौधरियों का ये कारखाना हमारे प्यारे गांव से तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर है। मोटरसाइकिल हमने अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है। इन सारी बोरियों में गंदम के दाने हैं। बिस्मिल्ला आटा चक्की इस कारखाने का नाम है। आइए अब आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारखाना है। इस बहुत बड़े कारखाने के अंदर गंदम की आटा चक्की भी है, चावल की आटा चक्की भी है, गंदम साफ़ करने वाली मशीन भी है और चावल साफ़ करने वाली मशीन भी है और सरसों का तेल निकालने वाली ये बहुत बड़ी और कीमती मशीन भी है। जिस कंपनी ने ये मशीन बनाई है, अल रहमान इंडस्ट्रीज मुल्तान रोड भूरेवाला, और उनका फ़ोन नंबर भी है। इस पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़े मोटर से चलाया जा रहा है, जिससे ये सारी चक्कियाँ और ये मशीनें चल रही हैं। साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हमारा इधर आना लाजिम होता है, क्योंकि हम अपने सरसों के बीज लेकर आते हैं और उन बीजों से निकलता है सरसों का तेल और बनती है उसकी खल, जो कि हम देते हैं अपने प्यारे जानवरों को। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की और चावल की आटा चक्की तो हमारे घर पे है। वो एक छोटी सी चक्की है, उससे हम गंदम के दानों की पिसाई भी करते हैं और चावल के दानों की पिसाई भी उसी से हो जाती है। 3 से 4 लोग इस फैक्ट्री के अंदर कारखाने के अंदर काम करते हैं। हमारे सरसों के जो बीज थे इस मशीन में डाल दिए गए हैं। ये मशीन की सबसे ऊपर वाली जगह है, इसी के अंदर ही सरसों के बीज डाले जाते हैं और फिर ये एक ख़ास तरतीब के साथ नीचे की तरफ जाते हैं और फिर इनकी पिसाई होती है और फिर तेल बनता है और खल भी बनती है। आपको थोड़ा आगे चल के ये सारी मशीनें दिखाते हैं कि ये कहाँ से चल रही हैं। वो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा मोटर है। ये मोटर सोलर पैनल के साथ भी सेट है और बिजली के साथ भी सेट है। इसी से ये पूरा सिस्टम, ये पूरी फैक्ट्री, ये कारखाना चल रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा मशीनरी और इतने ज़्यादा बेल्ट, कैसे ये लोग इस सारी चीज़ों की तरतीब करते होंगे। इस जगह से खल निकल रही है। कीमत के एतबार से ये खल बनोला वाली खल के बराबर है और ये भी जानवरों के लिए बहुत अच्छी है, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस जगह पे तेल निकल रहा है। इस बहुत बड़ी मशीन के अंदर ख़ास किस्म के ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि इन सरसों के बीजों को काटते जाते हैं और ये बीज फिर नीचे की तरफ जाते हैं और फिर ख़ास एक तरतीब से खल भी बनती है और तेल भी एक तरफ निकलता जाता है। ओवरऑल ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कीमती है। हमारे तेल से अच्छी खुशबू आए, इसीलिए हम इन सरसों के बीजों में सूखा धनिया मिला रहे हैं। और अब मिलाएंगे इसमें नमक। नमक से ये तेल अच्छा रहता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, आइए आपको इस कारखाने में मज़ीद मशीनें दिखाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मशीन है, इससे गंदम के दानों की सफाई की जा रही है। वो सामने जो गंद वगैरह है निकलता जा रहा है और जब सफाई हो जाती है फिर इन दानों को इस बोरी में डाला जाता है। ये मशीन भी उस बहुत बड़ी मोटर की वजह से चल रही है। वो सामने गंदम की चक्की है और इधर भी 2 बहुत बड़ी चक्कियां हैं। यहाँ पे इनका कंट्रोल पैनल है, इसी से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, कौन सी मशीन कैसे चलती है, और पूरी तरतीब इधर है।
यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेट बॉक्स है इनका, और कुछ लफ्ज़ भी दीवारों पे लिखे हुए हैं। इन सारी बोरियों में गंदम के दाने हैं और आटा वगैरह भी है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा कारखाना है। ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है, गंदम की इस चक्की पे लिखा हुआ है। साफ सुथरे दाने इस मशीन के अंदर डाले गए हैं गंदम के। इसका जरे इंडस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मोटर लगाई गई है इस मशीन के लिए। ये बिल्कुल जदीद किस्म की आटा चक्की है, और इस तरफ ये पुराने दौर की आटा चक्कियाँ हैं, और ये दोनों ज़बरदस्त हैं, चलती भी हैं। इन दोनों चक्कियों से गंदम के दानों की पिसाई भी की जाती है और चावल के दानों की पिसाई भी की जाती है। इस बहुत बड़ी चक्की से पीसा हुआ ये आटा रखा हुआ है, और ये बहुत ही फ्रेश है। ये आपके सामने बहुत पुरानी सरसों का तेल निकालने वाली मशीन है। मेरे ख्याल में अब ये ख़राब है, चलती नहीं है। अब हम उस बहुत बड़े मोटर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, जैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये पूरी चक्कियाँ, ये पूरी मशीनें चल रही हैं। कितने ज़्यादा बेल्ट लगे हुए हैं, और वो सामने एक बहुत बड़ा पुराना डीजल से चलने वाला इंजन भी है, मगर अब उससे काम नहीं लिया जाता क्योंकि अब इन्होंने जदीद मोटर लगा दी है। इस टाइम तीन मशीनें चल रही हैं, एक सरसों का तेल निकालने वाली मशीन, और दूसरी ये गंदम को साफ करने वाली मशीन, और तीसरी वो आटा चक्की, गंदम वाली आटा चक्की, वो चल रही है। ये दो पुरानी चक्कियाँ फ़िलहाल बंद हैं। ये वाली चक्की तो बिल्कुल खाली है, मगर दूसरी वाली चक्की में गंदम के साफ़ सुथरे दाने भी हैं। ये दाने एक ख़ास तरतीब के साथ नीचे की तरफ जाते हैं, और फिर नीचे दो बड़े पत्थर हैं, एक पत्थर नीचे है, एक ऊपर है, और फिर इन दानों की पिसाई होती है और फिर आटा बनता है। अब हम नीचे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनका कारोबार बहुत वसी है, सारा दिन ये लोग मसरूफ रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन हमारा जो काम है अब वो मुकम्मल होने वाला है। हमारे जितने भी सरसों के बीज थे उनका तेल निकाला जा चुका है। बस अभी कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हमको तेल भी दिया जाएगा, और जो हमारी खल है, ये जो इस थाल में जा रही है, ये भी हमें दी जाएगी। बहुत ही ताज़ा खल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर से तेल भी ज़बरदस्त अंदाज में निकल रहा है। और ये तेल सीधा जा रहा है इस घी के टीन में, जो कि अब खाली है, और इसे अब इस तेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरसों का तेल सर पे भी लगाया जाता है, और इससे कुकिंग भी की जाती है, यानी कि सालन वगैरह भी बनाया जाता है। समोसे और पकौड़े भी इससे तले जाते हैं। ये गंदम के दाने तो बहुत ख़राब हैं, मगर कमाल है इस मशीन की, ये मशीन इन सारे दानों को साफ सुथरा और सही कर देगी।
तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सरसों के बीज थे उनसे तेल निकाला जा चुका है और अब हम इस तेल को डाल रहे हैं एक ख़ास डब्बे में जो कि हम अपने साथ लाए थे। उम्मीद है कि ये डब्बा हमारा फुल हो जाएगा और हम एक बोतल भी लाए हैं। जब ये वाला डब्बा फुल हो जाएगा तो इस तेल को हम फिर एक बोतल में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डब्बा हमारा फुल हो गया है, जो बाकी तेल है हम फिर इस तेल को इस बोतल में डाल रहे हैं। डब्बा तो हमारा फुल हो गया था मगर लगता है कि ये बोतल फुल नहीं होगी। बस इसमें जो बचा कुचा तेल है वो हमने डाल दिया है। खाद की इस खाली बोरी में हमने खल डाल दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताज़ा खल है। इस बहुत बड़े कारखाने में सरसों का तेल भी मिलता है और एक किलो है 550 रुपये का और ये तेल बिल्कुल खालिस और प्योर है और रेट भी इसका मुनासिब है। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।